व्यूअर्स, हाइड्रोसेल से रिलेटेड आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए हैं और मैंने मोस्टली लोगों को जवाब भी दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के सेम सवाल रहते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आपको उस प्लेलिस्ट पर जाना है और हाइड्रोसेल से रिलेटेड सारे वीडियोज वहां पर अवेलेबल हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है आप उससे रिलेटेड वीडियो वहां पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखने का तरीका यह है कि आप इस चैनल के होम पेज पर जाएंगे, यानी जहां पर मेरी पिक्चर एप्रिन में लगी है, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक होम पेज आ जाएगा जहां पर लिखा होगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट, आप उसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे वहां तीन कैटेगरीज अभी दिखाई देंगी, बाद में आगे और भी बढ़ जाएंगी। उस कैटेगरीज में एचआईवी से रिलेटेड, हाइड्रोसेल से रिलेटेड, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगे। आपको हाइड्रोसेल पर जाना है और उसमें वीडियोज देखना है। उसमें वो वीडियोज हैं जैसे कि आप मुझे सवाल करते हैं उन्हीं को मैंने उसमें कवर किया है, और आपके बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल जो रहते हैं उसमें आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारी फैमिली में शामिल हो और आप हमें कमेंट कर सकें और मैं उनके रिप्लाई कर सकूं। तो बढ़ते हैं आगे और जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर जिस पर आज हमने वीडियो बनाया है। वेल, आपने मुझे सवाल किया है उसमें है कि क्या हम शादी से पहले ऑपरेशन करा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसे करा सकते हैं और इससे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली लोगों का सोचना ये है कि ऐसा तो नहीं अगर हम इस ऑपरेशन को करा लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर होगा, पता नहीं हम पिता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, या फिर हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, यौन संबंधी कोई समस्या तो आगे नहीं आ जाएगी, इसलिए हम इस ऑपरेशन को नहीं कराएंगे। तो ना कराने के पीछे जो मोस्टली लोगों में डर है वो यही है कि कहीं उनको यौन संबंधी समस्याएं ना आ जाए, या फिर शुक्राणु बनना बंद ना हो जाए, या फिर हम आगे अपनी फैमिली को आगे ना बढ़ा पाए, इस तरीके की कोई समस्या हमारे सामने ना आ जाए। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सभी के लिए जिन लोगों का ये सवाल या सोच है कि अगर आप इसे ऑपरेट करा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी जिनके बारे में अभी मैंने बताया जो आपकी है, और अगर आप इसे ऑपरेट नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। बिकॉज जो हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपकी टेस्टिकल्स के जो गोटी होती है गोली की उसके आसपास के एरिया में पानी भर जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो आपकी उस गोली को, जो गोटी है उसको खराब कर सकती है जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए समय रहते अपने नजदीकी सर्जन से मिले, सर्जन को दिखाएं, जैसा वो कहें डॉक्टर उसको फॉलो करें। मोस्टली लोग ऐसा भी करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं और जब थोड़े दिन वो के लिए जब वो दवा देते हैं उसके बाद कहते हैं फॉलोअप पे आना, लेकिन दवा खा के फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं इसी डर से कि कहीं वो हमारा ऑपरेशन ना कर दें। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं कि अगर आप मेडिकल टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर्स पे विश्वास करते हैं कि आप उनके जाएंगे उनके पास, वो अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ही ऐसे होते हैं जो एक वेल और अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो उनकी बात को आपको मानना चाहिए। और जितने दिन दवा खिलानी होती है डॉक्टर उतने दिन दवा देगा आपको, और उसके बाद भी अगर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो सेकेंडरी है कि वो फिर सर्जरी के लिए आपको सलाह देंगे। लेकिन अगर आप वो आपको सलाह देते हैं तो आपको उनकी सलाह माननी है, उसको ऑपरेट कराना है, क्योंकि ऑपरेट कराकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिससे कि आप आगे की लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आगे चल के बहुत सारी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, शुक्राणुओं से रिलेटेड, आपकी जो आप सोचते हैं कि क्या मैं परिवार को आगे बढ़ा पाऊंगा या नहीं, उससे रिलेटेड और भी दूसरे इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपनी वैवाहिक जीवन को ठीक ठाक रखना है आगे, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए, जो डॉक्टर सलाह दे उसके हिसाब से आपको सोचना चाहिए। तो अगर आपका यह सवाल है कि क्या मुझे शादी से पहले इस ऑपरेशन को कराना चाहिए या नहीं, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, इससे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज इस ऑपरेशन में अगर इसको ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है तो उसमें सिर्फ जो प्रॉब्लम है, यानी जो साइज बढ़ गया है, जहां पानी भर गया है, उसको निकाला जाएगा, बाकी किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा डर है, लोग बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं इस ऑपरेशन से, वो सोचते हैं कि हमें पता नहीं कोई दूसरी और समस्या हो जाएगी जो हमारी यौन संबंधी समस्या हमारी बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस ऑपरेशन को करा सकते हैं।
इस ऑपरेशन को कराने के कुछ दिन के बाद यानी 10 से 15 दिन के बाद आप आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और उसके बाद आप एक महीने के अंदर अपने सारे काम जैसे नॉर्मल पहले करते थे वैसे आप इसको कर सकते हैं। एंड आई होप अब आप अपना एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। तो अगर आपके अभी भी कोई कन्फ्यूजन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।